स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ योर जीके पीरियड। स्टूडेंट, हम लोग का टॉपिक आज जीके में है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने ग्रामर में पढ़ा भी होगा और अभी और आगे और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे भी। तो पंक्चुएशन क्या होता है स्टूडेंट? ये हमारे सेंटेंस के वो कंप्लीट करते हैं, फुल स्टॉप जब लगाते हैं हम लोग किसी सेंटेंस के बाद, इसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछना होता है तो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सरप्राइज हो रहे हैं तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, कोई स्पेशल चीज़ कोटेशन या स्पीच देनी होती है तो हम लोग वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। तो ये सारे कुछ स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल साइन है जिन्हें हम लोग पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। पंक्चुएशन का हमारी लाइफ में बहुत यूज़फुल होता है। जिस तरह से कोई ट्रेन जो होती है, अगर वो रेलवे स्टेशन पे उसका कोई स्टॉपेज ही नहीं है, उसका नेक्स्ट स्टेशन क्या है उसे नहीं पता, वो चलती ही जाएगी, उसी तरह से पंक्चुएशन मार्क का हमारी लाइफ में होना ज़रूरी होता है। क्योंकि राइटिंग स्किल्स जो होती है इसी पे डिपेंड करती है कि आपने कितने अच्छे से पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया है। अपोस्ट्रॉफे, ब्रैकेट्स, कॉलन, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, हाइफन, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन, कोटेशन और स्पीच मार्क, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कुछ स्पेशल पंक्चुएशन मार्क हैं जो आप अगर इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो देखा होगा उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। पंक्चुएशन मार्क नॉट ओनली यूजफुल फॉर इंग्लिश बट ऑल्सो अदर लैंग्वेजेस। इफ़ यू स्टडी इन हिंदी, उर्दू, अरबिक एंड संस्कृत अदर लैंग्वेजेस, देर आर ऑल्सो पंक्चुएशन मार्क, बट उनका जो डिज़ाइन होती है अलग अलग होती है। जैसे हमारा यहाँ का इंग्लिश का फुल स्टॉप जो होता है, बस आपने एक डॉट रख दिया, ये फुल स्टॉप हो गया। हिंदी में आप खड़ी लाइन खींचते हैं, ये फुल स्टॉप को शो करता है। सबका साइन अलग अलग हो सकता है बट पंक्चुएशन मार्क यूजफुल सब में होता है। तो ये आपका पंक्चुएशन मार्क है, आपकी बुक में भी दिया गया है, मैंने ब्लैक बोर्ड में भी ये बनाया है। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके 3 ऑप्शन हैं, आपको उन्हें टिक करना रहेगा। नंबर 1, पंक्चुएशन इज़ द नेम फॉर मार्क्स यूज इन राइटिंग। यानी पंक्चुएशन किसको नाम दिया गया है? हम लोग इसे राइटिंग में यूज़ करते हैं, मार्क्स यूज इन राइटिंग, तो आप इसको टिक कर दीजिए। नंबर 2, अनदर नेम्स फॉर अ फुल स्टॉप इज़ अ पीरियड। फुल स्टॉप का एक और नेम है, क्या कहा जाता है उसे? पीरियड, अ पीरियड। नंबर 3, द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर इनक्लोज बाय क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स जो होता है, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रही हो, क्या कल तुम आओगे, तो वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 4, आफ्टर द ओपनिंग ग्रीटिंग्स एंड ब्लू द क्लोजिंग ऑफ अ लेटर वी यूज़ अ कॉमा। आफ्टर द ओपनिंग ग्रीटिंग्स एंड क्लोजिंग ऑफ अ लेटर वी यूज़, जब हम लोग कई सारी चीज़ों को बताना होता है या फिर हम लोग कोई चीज़ कहते हैं कि आज उसने कहा कि, या फिर ही सेड डैट, तो वहाँ पे उसके बाद क्या होगा? आप कॉमा वर्ड यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको मालूम चलता है वहाँ पे कुछ देर आपको ठहरना है, फिर आप नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपको स्टार्ट करेंगे। और कई सारी चीज़ें जब आपको बतानी होती हैं, जैसे कि कैट, फिर कॉमा लगाएंगे, बैट, रैट, मैट, यानी आप बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं तो आप उसको कॉमा कॉमा लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। नंबर 5, ऑन अ रेगुलर कीबोर्ड द फुल स्टॉप की इज़ प्लेस टू द राइट ऑफ द कॉमा। कीबोर्ड पे, रेगुलर कीबोर्ड पे फुल स्टॉप कहाँ पे होता है? टू द राइट ऑफ कॉमा। नंबर 6, विच सेंटेंस हैज़ अ करेक्ट पंक्चुएशन। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, उसमें करेक्ट पंक्चुएशन कौन सा है, कौन सा रॉन्ग है? ये देखिए, इट्स माई ग्रैंड मदर्स बर्थडे। इट्स के बीच में कोई भी, यहाँ पे कोई भी आप कॉमा या अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है। इट्स माई ग्रैंड मदर्स बर्थडे। नंबर 6, इट्स हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे इसके लिए यूज होगा, इट्स माई ग्रैंड मदर्स बर्थडे। नंबर 7, विच ऑफ दिस सेंटेंस यूज द क्वेश्चन मार्क इनकरेक्टली। आई आस्क हर वेयर शी लिव्ड, इनकरेक्ट यूज हुआ है। वेयर डू यू लिव, इसका मैं क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही लगा है। यू लाइक हियर, डोंट यू, इसमें भी ठीक लगा। इनकरेक्ट क्या है? आई आस्क हर वेयर शी लिव्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। विच ऑफ दिस सेंटेंस यूज द अपोस्ट्रॉफी करेक्टली। दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज, दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज, दीज आर द चिल्ड्रंस टॉयज, दीज आर द चिल्ड्रंस टॉयज। चिल्ड्रन जो होता है ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, ये चिल्ड्रन, तो इसमें आपको एस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपका क्या लिखा है? चिल्ड्रंस, उसके बाद लगा है कॉमा, तो ये गलत है। चिल्ड्रंस जो होता है ये खुद में एक प्लूरल वर्ड होता है,
तो इसीलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यहाँ लगेगा और एस यहाँ लगेगा, तो ये दैट इज़ करेक्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? दी आर चिल्ड्रंस टॉयज, यानी ये बच्चों के खिलौने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पंक्चुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, इन्हें आप अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा और इसके बारे में और सारी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में पढ़ेंगे भी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है? मनी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी। मनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है जीके में। कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो आप लोग मनी से रिलेटेड हैं और हम लोग इसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें क्या फील होगा, वो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, आप लोग अपनी बुक में भी वैसे ही फील करिए बट सेंटेंस समझने के बाद। नंबर वन, आई हैव इनफ मनी टू बाई दिस बुक, आई कैन अफोर्ड टू बाई दिस बुक। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये इस बुक को अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी इस बुक को ख़रीद सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। अफोर्ड मतलब कि मैं ये चीज़ें अफोर्ड ले सकता हूँ, इतना मेरे पास अमाउंट ऑफ मनी है। नंबर टू, द सिस्टम ऑफ मनी यूज इन USA इज़ अ डॉलर, द करेंसी ऑफ USA इज़ अ डॉलर। करेंसी मतलब कहाँ पे क्या पैसा चलता है, क्या मनी या क्या मुद्रा चलती है, कौन सी करेंसी है। जैसे अपने यहाँ का रुपया है तो USA का क्या है करेंसी? डॉलर। नंबर थर्ड, दीज जीन्स आर बींग सोल्ड एट लोअर अमाउंट देन द प्राइस, दीज जीन्स आर बींग सोल्ड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट देना किसी चीज़ में। जो यहाँ पे जीन्स है वो जितना उसका एक्चुअल प्राइस है उसको घटा के उससे दिया जा रहा है, यानी अगर आप मान लें उस जीन्स का प्राइस है 1000 और आपको मिल रही है 600 या 700 में, तो इस मीन्स कुछ आपको उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। कभी कभी स्पेशल ऑफर में होते हैं ना, तो कहते हैं इतने ना 50% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं इस तरह से। नंबर फोर, वी पे द गवर्नमेंट एन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम वॉट वी अर्न, वी पे द गवर्नमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट अ टैक्स। टैक्स मतलब कर, हम उन्हें जो भी हम चीज़ें अर्न करते हैं, जो भी हम पैसे खरीद कमाते हैं, अपनी सैलरी जो भी पाते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी टैक्स पे करते हैं। जिनकी बड़ी सी शॉप होती है या शॉपिंग मॉल्स वाले होते हैं वो भी लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, यानी अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट जो होते हैं, कुछ परसेंट जो है उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। नंबर फाइव, वी कैन यूज़ एन ATM मशीन टू टेक अवे मनी फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट्स, वी कैन यूज़ एन ATM मशीन टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट्स। अगर हमारे पास बैंक अकाउंट है और हमें बैंक नहीं जाना है कि बहुत भीड़ होगी वहाँ पे और हमें पैसे तुरंत निकालने हैं, कहीं शॉपिंग करने गए हैं या बैंक शॉपिंग मॉल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहीं ATM है, देखते हैं हाँ वहाँ पे एक ATM मशीन लगी हुई है, तो हम लोग जाकर उसमें से क्या पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ मतलब पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर सिक्स, द अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्टेड फॉर दिस पज़ल इज 20 रुपीज़, द प्राइस ऑफ दिस पज़ल इज 20। उसमें जो रुपीस लिखा होता है, जैसे ये हम लोग कोई किसी भी सामान पे, तो उसको क्या पढ़ेंगे? प्राइस, यानी कितने का है ये प्राइस, इज 20 रुपीज़। प्राइस मतलब टोटल उसका कितना आपको देना है उसे पैसा। नंबर सेवन, पीपल हु वर्क गेट अ रेगुलर पेमेंट ऑफ एवरी मंथ, पीपल हु वर्क गेट अ सैलरी। जो लोग कहीं जॉब करते हैं उन्हें मंथ के आखिरी में या क्या मिलता है वहाँ पे? सैलरी। वन मंथ के बाद उन्हें सैलरी मिलती है, मतलब उन्होंने जो वर्क किया है उन्हें उसका प्राइस मिलता है। जैसे हम लोगों ने एक मंथ किया काम, जॉब किया, उसके बाद जो उस जॉब का उन्हें बेनिफिट क्या मिला, तो उन्हें सैलरी के रूप में मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड सैलरी। नंबर एट, मीरा स्कोर्ड हाई मार्क्स एंड वॉज गिवेन मनी टू सपोर्ट हर एजुकेशन, मीरा वॉज गिवेन अ स्कॉलरशिप। मीरा जो थी अपने रिजल्ट में या उसने हाई मार्क्स स्कोर किया, बहुत अच्छे परसेंटेज, बहुत अच्छे नंबर्स आए, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिली? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का क्या यूज़ करेगी? वो हायर एजुकेशन, आगे पढ़ने में जो उसके लिए यूज़फुल होगी। तो इसको जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं, ब्राइट होते हैं, अगर उनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें आगे पढ़ने में हेल्प करती है और उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, ये वर्ड्स जो है आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, सर्कल द वन डैट डज नॉट मैच इन ईच ग्रुप। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं सब ग्रुप्स में जो एक ऐसा वर्ड है जो बाकी वर्ड्स से डिफरेंट है, तो आपको उस डिफरेंट वर्ड्स को सर्कल करना है।
जैसे नंबर वन पढ़िए, डीमोनिटाइजेशन ऑफ रुपीज़ नोट्स यूज इन इंडिया। यहाँ पे 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50, 100, 500 एंड 1000, 10, 20, 50, 100, 500 एंड 1000, इसके नोट जो है इंडिया में चलते हैं। यानी ये इसका डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ, ये नोट्स इंडिया में चलते हैं। कौन सा एक नोट जो नहीं चलता है? 15 रुपए के कोई भी नोट इंडिया में नहीं चलता है। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोट बंद, ये नोट इंडिया में बंद है। 15 रुपए का कोई नोट आपने देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये डीमोनेटाइज नोट है। ठीक है, नंबर सेकेंड, क्वाइंस यूज इन इंडिया टूडे। क्वाइंस 1, 2, 3, 5 एंड 10। 1 रुपये का क्वाइंस सबने देखा है, 2 रुपये का क्वाइंस भी इंडिया में चलता है, 3 रुपये का क्वाइंस नहीं चलता है इंडिया में। तो आपको किसे सर्कल करना है? 3 रुपये। 5 और 10 भी चलते हैं। उसी तरह से नंबर थर्ड, रिच वेल्दी नीडी प्रॉस्परस वेल ऑफ। रिच मतलब धनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। वेल्दी उसी से रिलेटेड, उसी का सिनोनिम्स है। नीडी, नीडी मतलब ज़रूरतमंद, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो नीडी जो है उससे अलग है। प्रॉस्परस पैसा है उसके पास, वेल ऑफ सब कुछ अच्छा है। तो ये सारे वर्ड जो है रिच से रिलेटेड हैं, बट नीडी जो है रिच के अपोजिट है। अर्न, अर्न मतलब होता है जमा करना। ब्रिंग इन कलेक्ट गेन, ब्रिंग रखा है अपने पास, कलेक्ट इकट्ठा किया अपने पास, और गेन उसने पैसे को प्राप्त किया। स्पेंड खर्चा कर डाला, ठीक है, स्पेंड मतलब होता है खर्चा करना। तो स्पेंड वर्ड जो है इससे अलग है, डिफरेंट है, तो आपको स्पेंड को सर्कल कर देना है। नंबर 5, करेंसी। हर जगह का करेंसी अलग अलग होती है, जैसे डॉलर USA में चलती है। उसके बाद नंबर सेकंड लिखा है डिस्क, डिस्क मतलब ये डिस्काउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्काउंट जो है ये अलग है, यानी आपको छूट दी जा रही है, किसी भी करेंसी का नाम नहीं है ये। डॉलर, पौंड, यूरो और रुपी, डॉलर, पौंड, यूरो और रुपी जो है ये करेंसी के नेम है, बट डिस्काउंट कोई भी करेंसी नहीं है। डिस्काउंट एक वर्ड है जिसे हिंदी में छूट कहते हैं, जो किसी भी सामान को कम करने, उसकी प्राइस कम करके दिया जाता है। जैसे 1000 का कोई सामान है, तो आपको अगर उसमें 500 में मिल रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसमें 50% आपको डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, 50% डिस्काउंट है इसका। तो डिस्काउंट इज़ नॉट अ करेंसी, डिस्काउंट इज़ अ वर्ड। ओके, तो ये बी हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सी पे। मैच द करेंसी नोट्स टू द कलर यू सी ऑन देम। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, और वो किस कलर के होते हैं, जिन्हें आपने देखा होगा, हम लोगों ने सब नोट्स को देखा है। अब तो बहुत सारी कलरफुल नोट्स आ गई हैं, तो आपको उसे मैच करना है। नंबर 1, 5 रुपी नोट। 5 रुपी के नोट किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की, तो आप उसे ग्रीन से मैच कर दीजिए। नंबर 2, 10 रुपी के नोट ऑरेंज और वायलेट कलर की होती है, तो नंबर ए से मैच कर दीजिए। नंबर 3, 20 रुपी नोट रेड ऑरेंज। 20 रुपी की नोट क्या होती है? रेड होती है और ऑरेंज, मैच इट। नंबर 4, 50 रुपी नोट लाइट पर्पल। 50 रुपी की नोट जो होती है वो लाइट पर्पल कलर की होती है, तो ये आप कर लेंगे मैच, इसे आप कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं किस तरह से करना है। चलिए बताते हैं आपको। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर डी है आपका। इसमें आपको क्या करना है? कैलकुलेट द लिस्ट नंबर ऑफ नोट्स और क्वाइंस यू नीड टू एग्जैक्टली मेक द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी। यहाँ पे ये इतने अमाउंट्स लिखे हैं, और आपको इसमें कितने नोट्स और कितने क्वाइंस यूज़ करने हैं वो आप इसमें फिल करेंगे। अब जैसे एक हम करके देखते हैं, यहाँ पे कितना अमाउंट है? 42। तो 42 के लिए आपको कितना यहाँ पे नोट्स चाहिए? 20 की दो नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी 20 के नीचे 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको 20 की दो नोट्स चाहिए और 2 रुपये का एक क्वाइंस चाहिए। ठीक है, 20 की दो नोट और यहाँ पे 2 का एक क्वाइंस, जैसे 20 की एक नोट प्लस 20 की एक नोट और प्लस 2 रुपीज़ का एक क्वाइंस, तो 20, 20, 40 और एक क्वाइंस को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये 42 आपका हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है। तो 2, 1 टोटल नंबर कितना हो गया? 3। यहाँ पे आप 3 फिल कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे कितना अमाउंट है? 75। तो 75 में सबसे पहले हम बड़ी नोट्स स्टार्ट करेंगे, जैसे
50 की एक नोट आप ले लीजिए, ठीक है, 50 आपने ले लिया। 20 की एक नोट ले लीजिए आप, तो आपके पास 70 हो गया। अब 5 रुपए का एक कॉइन ले लीजिए, तो ये 75 हो गया। यानी आपने क्या क्या ली चीज़ें ली, एक नोट आपने 50 की लिया, एक नोट आपने 20 की लिया, और एक कॉइन्स आपने 5 की लिया, तो आपका ये बन जाएगा 75। डन है ना, इजी। उसी तरह से 205 में यहाँ पे 100 की नोट यूज़ होगी, तो आप यहाँ पे लेंगे 100 का दो नोट, 205, क्योंकि यहाँ पे 200 की कोई भी नोट नहीं है। देखिए नोट यहाँ पे 1, 2, 5, 10 इसके कॉइन्स हैं, 20, 50, 100, 500, 1000 के नोट्स हैं। अगर 200 की नोट होती तो आप 200 की वन नोट ले लेते, बट यहाँ पे 200 की कोई भी नोट नहीं है, इसलिए आप 100 की दो नोट लेंगे, तो 200 हो गया। और 5 का एक कॉइन लेंगे, 1 और 2 इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ टोटल अमाउंट 3 हो गया, टोटल नंबर 3 हो गया। यानी आपने दो नोट यूज़ किया है, एक कॉइन यूज़ किया है। 511 500 की नोट है, यस 500 की नोट है यहाँ पे, तो 500 की एक नोट ले लिया आपने, 10 का एक कॉइन और 1 का एक कॉइन, तो ये कितना हो गया 511, तो यहाँ पे भी 3 हो गया। 642 कैसे आप बनेगा, सबसे पहले तो आप 500 की नोट ले लीजिए, आपने 500 ले लिया, चलिए अब इसको 600 करना पड़ेगा, तो 100 की एक नोट लीजिए, ये 600 हो गया। कितना नंबर है यहाँ पे, 642 करने के लिए 20 की दो नोट ले लीजिए, 20 की एक नोट और 20 की दो नोट, यानी 20, 20, 40, ये आपका 640 हो गया। अब 2 का एक कॉइन ले लीजिए, तो 642 हो गया, ये देखिए दैट इज़ क्लियर, 642, ओके है ना इजी। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 यहाँ पे टोटल हो गया 5 हो गया यहाँ पे। अब उसी तरह से 999 के लिए आप 500 की वन नोट लेंगे, 500 की वन नोट, 100 की फोर नोट, 500 की वन नोट 500 हो गया, 100 की फोर नोट अगर आपने लिया तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 500 की एक नोट लिया और 100 की फोर नोट लिया, तो 400 हो जाएगा, प्लस 400 यानी कितना हो गया 900 हो गया। अब कितना और करना है आपको, 99 के लिए आप यहाँ पे 50 की वन नोट ले लीजिए, 50 की ले लिया, उसके बाद 950 हो गया ये। अब 20 की दो नोट ले लीजिए, 99 है ना, हाँ 20 की दो नोट ले लीजिए, तो आपका 40 हो जाएगा यहाँ पे ये। और 99 करने के लिए एक कॉइन आप 5 का ले लीजिए, दो कॉइन आप 2 का ले लीजिए, 5 का एक कॉइन लिया तो कितना हुआ ये 995, 2 का दो कॉइन लिया, 2, 2, 4 तो 4 हो जाएगा ये 999 हो गया इजी। उसी तरह से 1874 1000 की एक नोट है यहाँ पे, सबसे पहले तो आप उस नोट को ले लीजिए कि आपने 1000 की एक नोट ले लिया, 500 की एक नोट ले लिया, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है 500 की एक नोट ले लिया, यानी 1500 हो गया। फिर आपको कितना करना है, 1874, अब आप क्या लेंगे, 100 की 3 नोट लेंगे, उसके बाद और क्या बचा आपका, 7400 की 3 नोट लेंगे, 50 की एक नोट लेंगे और 20 की एक नोट लेंगे और 2 का दो कॉइन देंगे 9, तो ये आपका इतना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 4793 4000 के लिए सबसे पहले 1000 की 4 नोट ले लेंगे, 500 की 1 नोट लेंगे, 100 की 2 नोट लेंगे
50 की 1 नोट, 20 की 2 नोट और 2 का 1 कॉइन, 1 का 1 कॉइन, तो ये हो जाएगा 4,793, यानी टोटल कितना होगा 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 1, 8, 8 plus 4, 12, ठीक है। तो बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, करने में आपको इसे बहुत मज़ा आएगा। इसको आप जैसे मैंने किया है इस तरह से अपनी बुक में करिएगा, और अगर बुक नहीं है आपके पास तो कॉपी में इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, तब इसको करने की कोशिश करिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, ई, ट्रू और फॉल्स है ये। वी कैन यूज 3 7 रुपी नोट्स टू मेक अप 20 रुपीज फॉल्स, क्योंकि 7 रुपी का कोई भी नोट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। द सिंबल ऑफ द यूरो इज, यहाँ पे एक सिंबल बना है तो कह रहे हैं कि यूरो का सिंबल ये होता है, ट्रू, हाँ यूरो का सिंबल यही होता है, ठीक है। इंडियन रुपीज हैव द अमाउंट रिटन इन इंग्लिश एंड 15 इंडियन लैंग्वेजेस, ट्रू, इंडियन रुपीज में इंग्लिश और 15 इंडियन लैंग्वेजेस में उसमें अमाउंट लिखा रहता है, तो ये भी सेंटेंस ट्रू है। 1 लाख रुपीज एंड 1 मिलियन रुपीज आर इक्वल अमाउंट्स, फॉल्स। 1 लाख रुपीज एंड 1 मिलियन जो है ये बराबर नहीं होते हैं। 1 मिलियन आपका कैसे बनेगा, 10 लाख मिला के ना, ठीक है। अब कौड़ी शेल्स वेयर वंस यूज्ड एज अ एज करेंसी, कौड़ी शेल्स का बहुत पहले यूज़ किया जाता था, ये भी ट्रू है। 55 पैसे कॉइंस मेक अप 25, रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है। 4 20 रुपी नोट्स एंड 2 10 रुपी नोट्स इक्वल टू 100, ट्रू हो जाएगा। 100 रुपी नोट्स हैव अ पिक्चर ऑफ द हिमालयाज, 100 रुपये के नोट पे हिमालय की पिक्चर बनी होती है, ये भी सेंटेंस ट्रू है। तो ओके स्टूडेंट, इसको अपने बुक में फिल कर लीजिएगा आप, ये मनी के बारे में भी आपने बहुत कुछ सीख लिया, तो इसको आप अच्छे से बुक में फिल करिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हाँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गेम्स से रिलेटेड, गेम्स वी प्ले, चलिए उसको पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गेम्स वी प्ले, यानी हम लोग जो गेम्स खेलते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं। मैच द नेम्स ऑफ द गेम्स टू देयर डिस्क्रिप्शन यूजिंग द पिक्चर क्लूज, इस पिक्चर्स को यूज़ करते हुए और उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए वो कौन सा गेम है आपको उससे मैच करना है। चलिए नंबर ए पढ़ते हैं हम लोग, आई स्ट्रेटेजी बोर्ड गेम विथ 2 कलर डिस्क इन विच प्लेयर्स ट्राई एंड टर्न ओवर देयर अपोनेंट्स डिस्क टू कलर ऑफ देयर डिस्क, रिवर्सी, ठीक है, ये एक रिवर्सी गेम है। नंबर बी, प्लेयर्स गेस वर्ड्स फ्रॉम ड्राइंग दैट देयर पार्टनर्स डू, पिक्शनरी। नंबर सी, प्लेयर्स प्लेस देयर पीसेस दैट हैव अ सिंगल लेटर्स अक्रॉस अ बोर्ड टू फॉर्म वर्ड्स एंड स्कोप पॉइंट्स, स्क्रैबल। नंबर डी, प्लेयर्स मूव अराउंड द बोर्ड ट्राइंग टू बाई एज मच एज प्रॉपर्टी एज पॉसिबल एंड देन कलेक्ट रेंट फ्रॉम देयर अपोनेंट्स, ये कौन सा गेम है, मोनोपोली। तो ये कुछ गेम्स हैं जिन्हें आपको मैच करना है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, और उनके यहाँ पे क्लोज भी दिए गए हैं किस तरह के दिखते हैं, तो ये गेम आप देखें। नॉर्मली हमने तो इस तरह का गेम नहीं खेला, अगर आप लोग खेले होंगे तो इस तरह का गेम्स आप जानते होंगे, और इसके पिक्चर्स अगर यूज़ करे होंगे तो आप लोग ग्रुप में बताइएगा कि कैसे ये गेम खेले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, लूडो हुआ, कैरम हुआ, चेस हुआ, नॉर्मल हम लोग ये सारे गेम खेलते हैं, बट इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, पिक्शनरी, मोनोपोली, स्क्रैबल, ये वर्ड्स अभी तो मैंने नहीं खेला, अगर आप लोगों ने इसको खेला है तो ज़रूर बताइएगा, अपनी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करिएगा। नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कम्प्लीट दिस चेकलिस्ट ऑन स्पोर्ट्समैनशिप, फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ हेल्प बॉक्स में यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं आपको, वो वर्ड्स को यहाँ पे सेंटेंस में फिल करना है। वी प्ले बाई द रूल्स ऑफ द गेम, किसी भी गेम को अगर हम खेलते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। वी प्ले, वी ऑलवेज प्ले फेयर, हमें हमेशा फेयरली खेलना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए। नंबर थर्ड, वी डू नॉट क्विट, वी प्ले द एंटायर गेम, बीच में हमें गेम नहीं छोड़ना चाहिए, वरना क्या होता है, गेम का सारा मज़ा जो अदर्स प्लेयर्स होते हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं, और लोगों को बुरा भी लग जाता है कि अब हम गेम को बीच में कुछ करके चले गए, और इस वजह से पूरा गेम जो होता है हमारा ख़राब हो जाता है। वी डू नॉट बोस्ट इफ़ वी विन, अगर हम जीत जाते हैं तो हमें दूसरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। वी डू नॉट सल्क और गेट ग्राउची इफ़ वी लूज, अगर हम हार जाते हैं तब पर भी हमें
उदास नहीं होना चाहिए, अपना होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेम ऐसा होता है कि जिसमें एक पर्सन तो जीतेगा ही और एक पर्सन हारना ही हारना है। कभी कभी ड्रॉ भी हो जाता है कोई गेम। वी अलाउ अदर्स टू ज्वाइन गेम इफ़ दे आस्क। अगर कोई पर्सन आता है और कहता है मैं भी खेलना चाहता हूँ, तो हमें हमेशा उन्हें अलाउ करना चाहिए। या फिर अगर गेम का एंडिंग हो रही है और नए पर्सन को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो कहते ठीक है अब इसके बाद जो हम लोग न्यू स्टार्ट करें तो आप उसमें शामिल हो जाइएगा। नंबर 7, वी अप्रिशिएट टू अदर्स टीम एफर्ट एंड कंग्रेचुलेट्स देम व्हेन दे विन। जब दूसरी टीम जीत जाती है तो हमें हमेशा उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए ना। वाइज आउट सेज, वाइज आउट आपको क्या बता रहा है, चेस हैज़ इट्स रूट इन इंडिया वे बैक इन द 6th century CE। दो द मॉडर्न गेम कैन ट्रेस इट्स ओरिजिन टू अराउंड द ईयर 1200 CE, इट इज़ प्लेड विथ 16 पीसेज ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स विथ ईच टाइप बींग एबल टू मूव डिफरेंटली। द ऑब्जेक्टिव इज द कैप्चर द अपोनेंट्स किंग। चेस की जो गेम जो होता है, हम लोग खेले हैं इसको, इसका रूट्स जो है, इसका जो जड़ है वो कहाँ से, इंडिया से ही हुआ है, यानी ये गेम जो है इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था। वी बैक द, अगर हम बहुत पहले जाते हैं 6th century में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये गेम उस समय खेला जाता था। इसमें 16 डिफरेंट पीसेज होते हैं और इसमें जो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, आप देखें इसमें किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, एलिफेंट होते हैं, हॉर्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के इसमें डिफरेंट टाइप के पीसेज होते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है, टू अपोनेंट्स किंग, दूसरे राजा को हराना, या फिर उन्हें जब आप हरा देंगे दूसरे राजा को, उनके यहाँ जाके उनको गिरा के उनके महल में कब्जा कर लेना। इस तरह से जैसे रियल में होता है, वैसे ही चेस में एक तरह से एक वॉर का छोटा सा रूप होता है ये, ठीक है। तो ये आप लोग इसको अपनी बुक में फिल करिएगा गेम के बारे में। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये जो है ग्रामर से रिलेटेड है। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स इज़ यूज द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड एंड सफिक्स इज यूज एट द एंड ऑफ द वर्ड। यानी अगर हम कुछ प्रीफिक्स ऐसा वर्ड होता है जिसको मिला के हम न्यू वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, न्यू वर्ड बना सकते हैं। और उसी तरह से सफिक्स में क्या होता है, जिसके एंड में वर्ड्स लगा के वो नए वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं, देखिए पढ़िए उसे। प्रीफिक्स ऑटो और मीनिंग का सेल्फ है, डिस्क अपोजिट नॉट ए, बाई मतलब टू, पैरा मतलब बियॉन्ड, सब मतलब अंडर, सुपर अबव और बिसाइड। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं और उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या वर्ड बनाने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स आपको मार्केट, कौन सा वर्ड बन सकता है, सुपर। अगर आप सुपर लिखेंगे तो ये बन जाएगा सुपर मार्केट, न्यू वर्ड आपका बन गया। उसी तरह से बुक में आप सुपर लगा के 3 और वर्ड्स बना सकते हैं, सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन, बाई साइकिल, साइकिल में 2 पहिए होते हैं तो बाई साइकिल। उसी तरह से बाई लगा के, बी आई बाई वर्ड लगा के आप बाई लिंगुअल, यानी जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जानता हो, 1 से ज़्यादा लैंग्वेज जानता हो, उसे कहते हैं बाई लिंगुअल। बाइनोक्यूलर्स, 2 आँखों से देखने वाला व्यक्ति। डिस ओबे, डिस से डिस एग्री और डिसरेस्पेक्ट भी बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी, ये भी वर्ड बनाए जा सकते हैं, आत्मकथा। पैरा, हाँ, और इसके बाद क्या बन सकता है, सबमरीन, सब जीरो, सब ट्रैक्ट, सब लगा के आप ये सारे बना सकते, सब भी बनता है। तो ये प्रीफिक्स हो वहाँ पे है, मीनिंग में कुछ वर्ड लगा के वो न्यू वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। उस सफिक्स में क्या होता है, आपको इंड में वर्ड लगाना है, हेल्पलेस, टीचर एंड वुडन, ये आपका सफिक्स हो गया। एंड में वर्ड अगर आप बढ़ा रहे हैं तो वो सफिक्स हैं, बिगनिंग में अगर आप कुछ वर्ड लगा रहे हैं तो वो प्रीफिक्स हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से एक्सरसाइज दी गई है, आप इसको अपनी बुक में करिएगा। रीड द सफिक्स एंड देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्सेस, नाउ चूज अ सफिक्स टू कम्प्लीट ईच सेट ऑफ एग्जाम्पल। पहले सफिक्स को पढ़िए, उसके मीनिंग्स को पढ़िए, अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी गई है इसके अकॉर्डिंग उसको कम्प्लीट करिए। लेस का मतलब होता है विदाउट, एन का मतलब होता है मेड ऑफ, नेस का मतलब होता है शोइंग अ कंडीशन, और फॉर अर ऑब्लिक और का मतलब होता है पर्सन कनेक्टेड विथ। ए में क्या लिखा है, हेल्प लगा देंगे तो आप बन जाएगा हेल्पलेस, यानी
वो बिल्कुल ही निसहाय है, जिसकी सहायता कोई नहीं कर सकता, जिसका मतलब होता है वो सहायता के बिना है। लेस का मतलब विदाउट हमने पहले ही बता दिया था। टीचर, टीचर का मतलब पर्सन कनेक्टेड विद टीच, पढ़ाना होता है ना, पढ़ना, टीच, कौन पढ़ा रहा है आपको, अर टीचर, इससे कनेक्टेड हो रहा है ना, पढ़ाई से टीचर कनेक्टेड है। हैप्पीनेस, नेस का क्या मतलब पता, शोइंग अ कंडीशन, खुशी दिखा रहा है। हैप्पीनेस मतलब खुश है पर्सन, तो हैप्पीनेस। वुडन, एन का मतलब क्या होता है, मेड ऑफ वुडन, ये फर्नीचर जो है किससे बना है, वुड से बना है, तो कह रहे हैं दिस इज वुडन, तो ये वुडन फर्नीचर बना है। तो एन, जब आपको नई चीज़ें बनानी होती हैं तो वहाँ पे एन लगाते हैं। तो ये कुछ सफिक्स हैं जिन्हें आप अपनी बुक में फिल करिएगा, ये होमवर्क है, मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड में करके बता दिए हैं, उसके बाद कुछ आप अपने से करिएगा। हियर आर सम प्रीफिक्स विच आर यूज फॉर नंबर्स, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, हाँ, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टोपस, डिकेड एंड क्वाड्रपल्स, ये क्या है, कुछ नंबर्स हैं जो सब प्रीफिक्स में यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का लास्ट चैप्टर था और हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।